हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम बैक टू शरण्यू। आज मैं बेलपत्र प्लांट के साथ आया हूँ, जिसका बॉटनिकल नेम एगल मार्मेलोस है, जिसे इंग्लिश में वुड एप्पल के नाम से भी जानते हैं। आज मैं इस प्लांट का केयर शेयर करूँगा एंड आई एम गोइंग टू शेयर सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस प्लांट विच विल हेल्प यू टू ग्रो दिस प्लांट इन अ बेटर वे। सो स्टे टिल द एंड। बेलपत्र प्लांट का केयर चालू करने के पहले मैं कुछ चीज़ें इस प्लांट के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि इस प्लांट की कुछ विशेषताएँ हैं। इस प्लांट के लीव्स शंकर भगवान को चढ़ते हैं। अगर आपके घर में मम्मी होगी या कोई लेडीज़ होंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो मांगते हैं। जनरली मेरे घर में तो मेरी मम्मी मांगती है, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं, जो तीन शेप में आप देख रहे होंगे, वो जो लीव्स है एक साथ शंकर भगवान के इसमें चढ़ते हैं। मेरे नेबर्स भी कई बार मांगते हैं। तो इस प्लांट का हिंदू माइथोलॉजी में इम्पॉर्टेंस है, जो स्पेशल बनाता है इस प्लांट को। आज केयर में डॉर्मेंसी से चालू करूँगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है डॉर्मेंसी इस प्लांट के लिए। ये जो प्लांट है ये विंटर में चले जाते हैं डॉर्मेंसी में, और ऐसा नहीं है कि मिड विंटर या एकदम इंटेंस विंटर पे आके डॉर्मेंसी में जाते हैं, ये अर्ली विंटर में ही डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। अगर टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरता है तो ये प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, और आपको इसको इसके जो लीव्स है विथर्ड दिखेंगे, ड्राई होते जाएंगे, और काफ़ी सारे लीव शेड कर जाते हैं। पूरे विंटर आते तक तो पूरे लीव शेड कर जाते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड किया था जब ये प्लांट रिवाइव कर रहा था डॉर्मेंसी के बाद, लीव शूट कर रहा था, नए पूरे लीव शेड कर गया था विंटर में, और उसके बाद जो नए लीव्स आ रहे थे उस टाइम का वीडियो है। ये वीडियो स्पेशली मैंने शूट किया था क्योंकि ये दिखाना इम्पॉर्टेंट है कि जो कैसे इसके लीव्स पूरे शेड कर जाते हैं और धीरे से ही रिवाइव करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझना इस प्लांट के लिए, कि ये प्लांट डॉर्मेंसी में जाते हैं उस वक्त पे आपको इस प्लांट का केयर करना है, अगर आप इस प्लांट को लंबा रखना चाहते हैं तो। अगर आप ये प्लांट ला रहे हैं तो ये चीज़ होगा, इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। लीव शेड करता है विंटर में तो आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, आपको रखना है इस प्लांट को, सही वाटरिंग करना है, सही सनलाइट देना है, और ये रिवाइव करेगा स्प्रिंग में। उसके बाद आप इस प्लांट को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ, कि ये पूरे टाइम ग्रोइंग पीरियड में नहीं रहेगा और आपको प्रिपेयर्ड रहना है इसके विंटर के लिए। उसके बाद मैं आऊँगा इसके बग्स में। जैसे कि मैंने डॉर्मेंसी वाला पार्ट जो शेयर किया वो इम्पॉर्टेंट है इस प्लांट को सही से ग्रो करने के लिए, वैसे ही बग्स भी इम्पॉर्टेंट है जो इस प्लांट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है ग्रो करने के लिए। ये जो प्लांट है ये मॉनसून में इसमें काफ़ी सारे लावा अटैक होते हैं, और आपको बहुत से लीव्स जो हैं कटे कटे लगेंगे और बहुत ही अनहेल्दी शेप में हो जाते हैं प्लांट। तब आपको इसमें लार्वा ट्रैक करना है, उसे निकालना है, और उसके बाद इसमें नीमो स्प्रे करना है। आप एक वीडियो देख सकते हैं जो मैंने 9 जुलाई को रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर। मैं अलग से वीडियो शेयर करने वाला था पर मोटिवेशन नहीं आया वीडियो शेयर करने का, तो मैंने नहीं किया। पर थैंकफुली वो वीडियो मैंने रखा हुआ है, नहीं तो जनरली मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये उस टाइम का वीडियो है, और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लार्वा आ गए थे, और मैंने एक एक करके वो लार्वा निकाला, और आप लीव्स देख सकते हैं कि कैसे कटे कटे से हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, और बड़ा दिक्कत जाता है, अनोइंग होते हैं, क्योंकि अगर आपकी मम्मी जाती होगी मंदिर शंकर भगवान के तो लीव्स मांगती होगी इसके, और इसके जो लीव्स पूरे सहगे लीव्स चाहिए रहते हैं, कटे वाले नहीं चाहिए रहते हैं। तो वहाँ पर एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, अगर आपके प्लांट में काफ़ी सारे कटे लीव्स हो गए हैं तो एक सहगा लीव देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपको नीमो स्प्रे करना है। आप 4-5 ml 1 liter ऑफ वाटर में आप नीम ऑयल डाल सकते हैं, और उसको अच्छे से शेक कर लीजिए और प्लांट को स्प्रे कर दीजिए। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है नीमो स्प्रे करने के बाद लार्वा अटैक काफ़ी कुछ कम हो जाते हैं। आप बीच बीच में स्प्रे करते रहिए मॉनसून में, और मॉनसून के बाद भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो बेटर रहेगा। 20-25 days के इंटरवल पे करते रहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में तो इसमें लार्वा दिखते रहते हैं।
तो एक ट्रबलिंग पार्ट है इस प्लांट का, लार्वा काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लाएंगे प्लांट, आप ग्रो करेंगे और ये चीज़ होने वाला है। मेरे साथ तो ये ऑलमोस्ट हर साल हो रहा है, तो मैं प्रिपेयर रहता हूँ, मैं पहले से स्प्रे कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहते हैं प्लांट। उसके बाद आऊँगा मैं पॉट साइज़ में, 10 टू 12 इंचेस ऑफ पॉट में लगा सकते हैं इस प्लांट को, बहुत अच्छा करता है ये प्लांट 10 टू 12 इंचेस ऑफ पॉट में। आप देख सकते हैं मैंने भी अराउंड 10 इंचेस ऑफ पॉट में लगाया है और मेरा तो बहुत अच्छे से 2 साल हो गया इस प्लांट को और बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। अभी तो इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल बाद पर इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा रूट बाउंड होना चालू हो रहे हैं, तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, पर अगले साल स्प्रिंग में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। अगर आप छोटा प्लांट लाए हैं तो 10 टू 12 इंचेस ऑफ पॉट में लगा सकते हैं, 3 साल बाद उसे आप थोड़े से बड़े पॉट में 12 से 14 इंच के पॉट में आप शिफ्ट कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आऊँगा मैं सॉइल मिक्स में, आप सॉइल मिक्स में 50% सॉइल रख सकते हैं, 20% सैंड, 15% वर्मी कंपोस्ट और 15% कोको कॉइल, एक बैलेंस सॉइल मिक्स रखिए, प्लांट अच्छा करता है। सॉइल मिक्स के बाद आऊँगा मैं सनलाइट में, बेल पत्र को 5 to 8 hours ऑफ डायरेक्ट सनलाइट चाहिए रहता है, अच्छा खासा डायरेक्ट सनलाइट डिमांड करते हैं ये प्लांट। अगर समर नहीं है तो आप इसे 5 to 8 hours ऑफ डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, समर है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में, अगर 37 degrees Celsius के ऊपर गया टेम्परेचर तब। अगर आप सुबह की या शाम की दे रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट 3-4 घंटे की तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपके घर में ऐसा सनलाइट नहीं आता है सुबह की या शाम की, आप इसे पूरे दिन इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, तो मैं तो ज़्यादातर इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखता हूँ समर में, और उसमें भी ये बहुत अच्छा करता है। उसके बाद आऊँगा मैं इसकी वाटरिंग में, बेल पत्र को थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद है, मैं तो इसे 1/2 to 1 inch चेक करके देता हूँ पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्लांट का कि ना आपको थोड़ा ड्राई छोड़ना है इस प्लांट को, स्पेशली विंटर में, क्योंकि विंटर में जाते हैं डॉर्मेंसी में, विंटर में आप 1/2 inch से थोड़ा और 2-3 centimeters और ड्राई होने दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो ह्यूमिडिटी भी रहता है थोड़ा है विंटर में, और ना विंटर में थोड़ा सॉइल धीरे से धीरे ड्राई होता है एज़ कंपेरिजन टू आप समर ले लें या फिर स्प्रिंग या ऑटम भी ले लें, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग ऑटम में 33-35 degrees Celsius चले जाता है, तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना रहता है क्योंकि ग्रोइंग पीरियड पे रहते हैं। अभी तो मैं ऑलमोस्ट डेली डाल रहा हूँ पानी, विंटर में 2-3 दिन की रहती है फ्रीक्वेंसी। अगर आप एक फ्रीक्वेंसी ध्यान में आ जाए आपके कि इतने टाइम में ड्राई हो रहा है सॉइल, तो वहाँ पर ईजी चले जाता है प्लांट को पानी देना। एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा मैं इसके वाटरिंग में कि जब भी आप पानी दें प्लांट को, नीचे से पानी निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधा ग्लास या फिर 1 glass पानी दे दिए पूरा नीचे से नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा पानी दीजिए कि आप पानी डालें तो नीचे से निकले वो, तब होती है वो पूरी वाटरिंग। ये बेसिक चीज़ है और काफ़ी सारे बिगनर्स इसमें गलती करते हैं, तो प्लांट को आप सही वाटर करिए और प्लांट को हेल्दी ग्रो करिए। इवेंचुअली मैं इसकी फर्टिलाइजेशन में आऊँगा, मैं तो इसे साल में 3-4 बार फर्टिलाइज करता हूँ, एक तो तब करता हूँ जब ये ग्रोइंग पीरियड पे आते हैं। आप देखे होंगे वीडियो जिसमें ये लीव शूट कर रहे थे, उस क्लिप में जब लीव शूट कर रहे थे उसके 2-4 दिन बाद जैसे मेरे को दिखा कि ये ग्रोइंग पीरियड पे आ गए, मैं इसे फर्टिलाइज कर दिया था, तो अर्ली स्प्रिंग पे इसे फर्टिलाइज करना सही रहेगा, उसके 1-2 महीने बाद स्टार्टिंग ऑफ समर या मिड समर में आप इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप अर्ली मॉनसून में कर सकते हैं और मॉनसून के बाद कर सकते हैं, या लेट मॉनसून भी बोल सकते हैं। आप 3-4 बार फर्टिलाइज कीजिए प्लांट को, प्लांट हेल्दी रहेगा। तो ये था बेलपत्र प्लांट का केयर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये प्लांट लाए हैं तो हेल्दी ग्रो करिए और जो जो चीज़ें मैंने बताई है उसको सही से अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल बहुत ईजिली ये प्लांट को ग्रो कर लेंगे। होपफुली यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।